कीवर्ड एक ऐसा हथियार है जिससे कि आप अपने YouTube वीडियोस रैंक कर सकोगे, लेकिन अगर आपने उसे सही तरह से इस्तेमाल किया तो, अगर आपने उसे हल्के में ले लिया तो ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हम सबको ये समझना होगा कि कीवर्ड्स होते क्या हैं और हमें अपने YouTube वीडियोस के लिए कीवर्ड्स क्यों चाहिए। मान लीजिए आप एक गेमिंग पीसी ले रहे हैं तो आप यूट्यूब में ज़रूर सर्च करोगे कि बेस्ट गेमिंग पीसी अंडर 50,000 1 लाख वगैरह वगैरह। तो जो आपने सर्च किया है वो एक कीवर्ड है। आप यूट्यूब को कह रहे हो कि इसके रिलेटेड के सारे वीडियोस मुझे दिखाओ। इतना ही नहीं, अगर आप उसमें और थोड़ा रिफाइन करते हैं बेस्ट गेमिंग पीसी फ्रॉम डेल HP वगैरह वगैरह, आप जो भी सर्च करते हैं वो एक तरह का कीवर्ड ही है। तो ये थे कीवर्ड्स, लेकिन अभी हमें अपने यूट्यूब वीडियोस में इन कीवर्ड्स की क्या ज़रूरत है। एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो बना रहे हो कि न्यू व्हाट्सएप फीचर्स, तो आप कीवर्ड्स में डालेंगे कि व्हाट्सएप फीचर्स 2020, न्यू व्हाट्सएप फीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यूट्यूब को कह रहे हो कि अगर लोग इसके रिलेटेड यूट्यूब में सर्च करते हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर दिखाना, और जितने कीवर्ड्स आपके मैच होते हैं यूट्यूब में सर्चेस के उतना आपका वीडियो रैंक करेगा। तो हमें सिर्फ जो जो लोग कीवर्ड्स टाइप करेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड सर्च करने के लिए, हमें सिर्फ वो प्रिडिक्ट करके अपने टैग सेक्शन में लगाना है। बस उतना कर देने से हमारे यूट्यूब वीडियोस रैंक करेगी, लेकिन अभी हमें ये सर फाइंड आउट करना है कि हम वो सारे कीवर्ड्स फाइंड आउट किधर से करेंगे, यानी कि प्रिडिक्ट किस तरह करेंगे। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि कीवर्ड्स क्या क्या है और किस लिए चाहिए। अभी आते हैं हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स और लो वॉल्यूम कीवर्ड्स, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स और लो कंपटीशन कीवर्ड्स। हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स ये हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने वीडियोस में उसे ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो अगर आप उस सेम कीवर्ड को अपने यूट्यूब वीडियो में यूज़ करेंगे तो 100% चांसेस है कि आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, लो वॉल्यूम कीवर्ड्स, जिससे कि सर्चेस भी मिनिमल रहेंगे लेकिन आपका वीडियो बहुत सारे चांसेस है कि रैंक कर जाएगा। लेकिन ये किस तरह करें, मेरे पास दो तरीके हैं जो इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स क्या हैं और अपने वीडियोस के लिए क्यों चाहिए। अभी हमारा मेन काम है कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना, तो इसको किस तरह करें मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला तरीका YouTube खुद ही है। अगर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले लिया था, आप WhatsApp के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं जैसे कि WhatsApp के न्यू फीचर्स के बारे में, 2021 के न्यू फीचर्स के बारे में आप बताने वाले हैं, तो आपको उसके रिलेटेड कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करना। आपको सिर्फ YouTube पर जाकर सर्च बार में व्हाट्सएप टाइप करने से आपको नीचे बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं जो यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है। ये सजेशंस वही है जो दूसरे लोगों ने इस टॉपिक के रिलेटेड ही सर्च किया है, यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये लोगों ने भी ये टॉपिक के ऊपर भी ऐसा ही भी सर्च किया है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अभी आप देखें, मैं व्हाट्सएप के न्यू फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो अगर मैं इधर लिखूँ न्यू फीचर्स, तो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं जितने सर्चेस किए गए हैं उसमें से बहुत फेमस, मतलब जो ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, व्हाट्सएप न्यू अपडेट, व्हाट्सएप न्यू फीचर्स, व्हाट्सएप न्यू अपडेट 2020, व्हाट्सएप न्यू वर्जन, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ज़्यादा सर्च किए जाते हैं जो यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है। इसे आपको सिर्फ इतना करना है, आपको कॉपी कर नोट पैड में सेव कर लेना है। अगर आपका वीडियो और दूसरे टॉपिक पर रिलेटेड है और आपको ये लग रहा है कि अभी आपको और रिफाइंड कीवर्ड्स चाहिए, तो न्यू जैसे जैसे आप अपना पूरा कीवर्ड लिख रहे हैं, अपने टॉपिक का कीवर्ड लिखते जा रहे हैं, यूट्यूब आपको उसके रिलेटेड ही आपको सजेस्ट करेगा कि इस तरह भी लोग सर्च करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो आपको जिस जो जो भी आपको कीवर्ड्स अच्छे लगते हैं कि टॉपिक के रिलेटेड हैं, मतलब जब भी आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका वीडियो दिखा सकता है, तो आपको उसे सर्च करना है।
सेलेक्ट कर लेना है और आपको नोटपैड में नोट कर लेना है। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका। अब सेकेंड, हमें कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, आपको सिर्फ उस पर जाना है। ये फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, आपको इसका पेड वर्जन भी मिलेगा। आपको इधर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। सबसे पहले आपको इसमें साइन इन कर लेना है। तो साइन इन कर लेने के बाद आपको इधर क्लियरली दिखा रहा है आपको किसके लिए कीवर्ड्स चाहिए, गूगल, यूट्यूब। अभी हमें यूट्यूब के लिए चाहिए, तो यूट्यूब सेलेक्ट करके आपका वीडियो का टॉपिक जो कीवर्ड है उसे आपको इधर लिखना है। व्हाट्सएप न्यू फीचर्स मैंने लिख दिया है। आप इधर चाहे तो कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं या तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च पर क्लिक करना है और आप क्लियरली देख सकते हैं इसने आपको 215 कीवर्ड्स फाइंड आउट करके दे दिया है। आपको इसमें भी आपको जो जो कीवर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। 5 न्यू व्हाट्सएप फीचर्स, अबाउट न्यू व्हाट्सएप फीचर्स, एनी न्यू फीचर्स इन व्हाट्सएप, डाउनलोड व्हाट्सएप न्यू फीचर्स, व्हाट्सएप न्यू फीचर्स 2020। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारा मेन काम है कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम और इसका कंपटीशन फाइंड आउट करना, जो बहुत ही ईजी है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे देता हूँ vidIQ का, आपको पता ही होगा वो एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन। आपको सिर्फ जाकर उसमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने से आपको कुछ इस तरह का दिखाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको इधर टॉप राइट कॉर्नर में आ जाएगा। वो बहुत ही यूजफुल है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद जो कीवर्ड्स आपने सेव किया हुआ है, दोनों तरीकों से फाइंड आउट किया हुआ कीवर्ड्स, आपको सिर्फ YouTube सर्च बार में इंसर्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी 5 न्यू फीचर्स ऑफ WhatsApp, डाल के एंटर करना है और आप राइट साइड में क्लियरली देख सकते हैं कि इसका पूरा कॉलम ही आ चुका है और आपको एक क्लियर रिजल्ट दिखाएगा इसका इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम, इसका कंपटीशन कितना है, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कीवर्ड अपने यूट्यूब वीडियोज में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, जिधर भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरा डिटेल्स आपको दे दिया है, हाईएस्ट व्यूवर्स, एवरेज सब्सक्राइबर्स, फिर आपको इधर ओवरऑल स्कोर दिखा रहा है। तो ये क्या है, अभी आपको दिखा था, तो ये वो स्कोर है जिससे डिटरमाइन करता है कि ये कीवर्ड आपके चैनल के लिए कितना इफेक्टिव है। आप इधर देख सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन लो है इधर और वॉल्यूम हाई है, और ये आपको नीचे ये भी दिखाता है कि टॉप यूट्यूब चैनल्स जिसने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है या इस कीवर्ड के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, और ये आपको इधर नीचे सजेस्ट भी करता है कीवर्ड्स जिसका कंपटीशन लो हो। और आप इधर देख सकते हैं जो रेड में हाईलाइटेड है उसका, उस कीवर्ड्स का कंपटीशन बहुत ही हाई, तो आप उस कीवर्ड्स को अगर आपने यूज़ किया तो डेफिनेटली आपका यूट्यूब वीडियो रैंक नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो येलो और ऑरेंज कलर्ड कीवर्ड्स हैं आपको उन पर ज़्यादा टारगेट करना है। आपका स्कोर है 34 out of 100, उतना बुरा तो है लेकिन आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में। आपको सिर्फ यही प्रोसेस दोहराते रहना है। कीवर्ड डाल के दिखाता हूँ, व्हाट्सएप न्यू फीचर्स 2020।
आप क्लियरली देख सकते हैं इसका कंपटीशन मीडियम है और इसका स्कोर और भी लो है, तो इस कीवर्ड को अगर मैं यूज करूंगा तो कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन नीचे इसने मुझे एक और सजेस्ट किया है, तो उसी डालकर ट्राई करते हैं। अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल स्कोर हाई है, कंपटीशन लो है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो अगर आप इस कीवर्ड को अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका वीडियो रैंक करेगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि और आपको ज्यादा ज्यादा सजेस्ट कर रहा है। ये सिर्फ 3 है क्योंकि इसका क्रैक वर्जन है। अगर आप इसे प्रो वर्जन पर अपग्रेड करते हैं तो आपको और बहुत सारे कीवर्ड्स जरूर दिखाएगा। तो हमारा सेकेंड तरीका है गूगल एड्स की मदद से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कीवर्ड्स का वॉल्यूम और उनका कंपटीशन कितना है। आपको गूगल एड्स ads.google.com पर जाकर सिर्फ गूगल एड्स में साइन इन कर लेना है। अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाएगा। आपको इधर टूल्स एंड सेटिंग्स पर जाकर कीवर्ड प्लानर पर सेलेक्ट करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर आपको सेलेक्ट करना है और जिस टॉपिक पर आप वीडियोस बना रहे हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिया था व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप टाइप किया, एंटर किया, गेट रिजल्ट्स पर आपको सिर्फ टिक करना है और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले आपको अपना इंसर्टेड कीवर्ड का कंपटीशन और सर्चेस बताएगा और आपको नीचे बहुत सारे कीवर्ड से सजेस्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि जो कीवर्ड हमने डाला था उसके 1 मिलियन से 10 मिलियन मंथली सर्चेस हैं, कंपटीशन लो है और नीचे के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप वेब, GB व्हाट्सएप। तो आपको सिर्फ इसमें से जो आपके व्हाट्सएप जो आपके यूट्यूब वीडियोज के रिलेटेड टॉपिक्स है, मतलब व्हाट्सएप न्यू फीचर्स है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि न्यू व्हाट्सएप। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है जिसका एवरेज मंथली सर्च अच्छा है और इनका कंपटीशन लो है। तो आप अगर आपने इन सारे कीवर्ड्स को अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज़ किया तो डेफिनेटली आपका यूट्यूब वीडियो रैंक करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना ताकि अगली बार जल्दी मिल सके।